सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे थे। इसमें हमने देखा एट x इज इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया। क्यों मैं कर रहा था, आप एकदम देखकर ही आ रहे होंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूएशन में हम रहेंगे। मैंने बोला था x प्लस 1, x माइनस 1, 2x प्लस 3, इन तीनों पर 1 बाई 1 तीनों को जीरो करवाऊंगा मैं। कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, तभी आपको आएगा समझ में। ये जीरो हो रहा था x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, x माइनस 1 जीरो होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। x इज इक्वल टू 1 को जैसे ही यहाँ पुट कर रहा था, 2 1 जा 2 हो रहा था, 2 माइनस 3 माइनस 1 हुआ था। जैसे ही मैंने x 1 को पुट किया, यहाँ ये जीरो हो गया, x 1 को यहाँ पुट किया तो b रहा, 1 प्लस 1 2 होगा, 1 यहाँ पुट किया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, इतना हुआ। यानी कि b टाइम्स 10, मतलब मैं कह सकता हूँ कि b इज इक्वल टू मेरा आ गया माइनस 1 बाई 10, ये आ गई b की वैल्यू। ऐसे स्टूडेंट्स फाइनली एट, देख ले मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू, क्योंकि अब तीन इसमें जीरो कराना पड़ेगा इसको, तो 2x प्लस 3 जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 होगा। होगा कि नहीं होगा देखेंगे, जब x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 बाई 2। और x अगर माइनस 3 बाई 2 होगा तो वैल्यू प्लेस करता हूँ, x माइनस 3 बाई 2 जैसे ही यहाँ प्लेस किया जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही इसको x को माइनस 3 बाई 2 रखा जाएगा ना, 2 2 कैंसिल होंगे, माइनस 3 आएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही x माइनस 3 बाई 2 रखा जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। और यहाँ इस तरफ बात करूं तो जैसे ही x को कितना प्लेस किया जाएगा, 3 बाई 2 विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव का 3 बाई 2 देखिए ऐसे आएगा ना, तो 2 2 कैंसिल, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, इस तरफ माइनस 6 बचेगा। और इस तरफ ही पहला टर्म दूसरा टर्म जीरो हो गया इनके कारण, क्योंकि यहां पर क्योंकि यही को तो इसी को तो जीरो रखा हमने, 2x प्लस 3 को जीरो हो गया। बाकी यहां पर अगर मैं प्लेस करूं वैल्यू, सी तो सी रहेगा, एक्स के प्लेस पे माइनस 3 बाई 2 रखना है, तो माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 2 बाई 2 दैट इज माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 ये तो इतना हो गया। यहां पर अगर रखेंगे माइनस 3 बाई 2 और उसमें से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इतना माइनस 5 बाई 2, माइनस का 5 बाई 2 क्लियर है कि नहीं है। बस अब हम बोलेंगे 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा, माइनस 24। वहां माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का 5 सी बचा कि नहीं बचा, तो सी स्टूडेंट्स क्या 24 बाई 5 आया नहीं विद नेगेटिव साइन, देख लें ठीक है, हल्का से चेक कर लेता हूँ। प्लस 5 हो गया, 25 4 हो गया, 62 4, ठीक है। सी कितना कितना हो गया, माइनस 24 बाई 5 हो गया, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बस सी ए बी सबकी वैल्यू आ गई, इसे प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे रब कर लेता हूँ, देखिए सारे काम हो चुके हैं, सी ए बी की सबकी वैल्यू हमने नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। आपके पास मेथड थे, मैंने कहा था आप चाहते तो एक्सपेंशन कर कोफिशिएंट्स कंपेयर करते या जिस मेथड से मैंने बताया वैसे करते, कंडीशनल मेथड है, कब यूज होगा कब नहीं होगा पता होना चाहिए। यहाँ तो ये तो आपस में देखिए मेरी बात सुनना, 2x माइनस 3 ये तो ऐसा हो गया ए के, और नीचे भी क्या बचा हुआ है, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ये बचा हुआ है 2x प्लस 3, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू प्लेस करते हैं 5 बाई 2 टाइम्स x प्लस 1, बी की वैल्यू प्लेस करते कहाँ गया, बी माइनस 1 बाई 10 टाइम्स x माइनस 1, सी की वैल्यू प्लेस करते हैं, सी लिखा है माइनस 24 बाई 5 दैट इज माइनस 24 बाई 5 और 5 टाइम्स 2x प्लस 3, कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आया इसका आंसर। और ये जो चीज लिखी है यही तो ये भी है, देखिए तो इनके क्या नहीं है क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है, तो एग्जैक्ट ये चीज ही ये चीज है। बस फर्क इसमें और इसमें इतना है कि इसके आगे इंटीग्रेशन लगाना है और dx लगाना है, तो इसमें भी वही कर देना चाहिए कि इंटीग्रेशन लगाकर होल का dx ले लेना चाहिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इसका आंसर निकलेगा अगर इसका आंसर निकल गया तो, ठीक है ना। अब इसका आंसर निकालते हैं बस, देखिए स्टूडेंट्स बाकी मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसका काम हो चुका है, देखने जरा देखिए अब क्या होगा। स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व करना है, ये इस तरफ को मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना, इसी को तो फाइंड करना है, तो मैं आई मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू निकल रहा है, क्या निकला देखते हैं। 5 बाई 2 को मैं सेपरेट भी कर लेता हूँ, 5 बाई 2 को ऐसे कर लिया बाहर और dx अपॉन कितना बच गया, x प्लस 1, क्लियर है कि नहीं, ये ऐसा हो गया। माइनस कर इंटीग्रेशन में dx अंदर बच जाएगा और अपॉन में बचेगा x माइनस 1, लेकिन 1 बाई 10 भी बाहर आया, 1 बाई 10 बाहर आया, अगर आप देख पाए तो देखिए दिख रहा है क्या, माइनस का 1 बाई 10 बाहर आ गया, सब सेपरेटली हो रहे हैं, ठीक है, 5 बाई 2 सिर्फ इसी के साथ है, बाकी आगे बचेगा माइनस का 24 बाई 5 को भी बाहर लिया जा सकता है और इंटीग्रेशन के अंदर dx ओवर 2x प्लस 3 बच जाएगा और 5 ठीक है बाहर आ गया, माइनस 24 बाई 5, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो, अगर मुझे नहीं लगता कुछ भी है, ठीक है ना।
आराम से सॉल्व करें, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, मैंने कह दिया जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 5 बाई 2 हो गया, dx अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। माइनस 1 बाई 10 को एज इट इज लिखेंगे और dx अपॉन x माइनस 1 का आंसर log ऑफ x माइनस 1, होगा कि नहीं होगा। बाकी यहाँ माइनस 24 बाई 5 है, उसे ऐसे का ऐसा लिखा और log ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है वैसे, प्लस कांस्टेंट लगा लेना। बाकी मैं देखता हूँ क्या कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है, लग नहीं रहा कि कुछ अरेंजमेंट हो, मुझे लगता है यही आंसर होगा ठीक, क्योंकि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट और ज़्यादा हो नहीं सकता, इतने में आप इसे छोड़ दें तो सफिशियंट है। सर मैं आगे, ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 5x ओवर x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर x प्लस 2 dx ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो लिखा हुआ है 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस, ओके कहाँ से लिखा मैंने, 11 क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 4 था, मैंने कुछ और ही लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 4 ठीक है, 5x ओवर x प्लस 1 टाइम, देखिए ये है क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन ये था 5x था 11th क्वेश्चन में, अपॉन पे लिखा हुआ है x प्लस 1 और टाइम्स लिखा गया है आपका x स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट है कि नहीं, अब देखना जरा 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 5 ठीक है। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करना है, फटाफट सोचते हैं सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा होगा, जरा फटाफट सोचें किस पर ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मेरे से पहले सोच लिया आपने ठीक है, मैं बताता हूँ होगा क्या, मुझे लग रहा है कि ये 5x अपॉन x प्लस 1 था और मुझे ये भी लग रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 x माइनस 2 बोला जा सकता है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बस ये तो समझ में आ गया कि थर्ड नंबर का पैटर्न है, थर्ड नंबर का पैटर्न है, मतलब मैं पैटर्न तो नहीं लिख रहा, बोल देता हूँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब सिमिलर पैटर्न है जो इससे पहले क्वेश्चन में था ऐसा लगता है मुझे ठीक है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात आपको, क्योंकि ना आप कहीं ये मत सोचिए कि लीनियर है क्वाड्रेटिक है और ये फिफ्थ पैटर्न हो गया, फिफ्थ पैटर्न की कंडीशन है कि दिस क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फर्दर कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल, तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 हमारा फैक्टराइजेबल है तो इसीलिए मैंने कर दिया। मुझे बताइए मैं इसको क्या लिखूं, मैं आराम से आऊंगा यहां पर और लिखूंगा 5x ओवर x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2, आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे कर रहा हूँ बस, नया कुछ इसमें बताने लायक नहीं, x प्लस 2 हो गया और ये हो गया c अपॉन x माइनस 2, क्लियर है कि नहीं, आराम से सॉल्व करने का मेथड क्या है वही करें, इस बार कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेबल है कि इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी से मल्टीप्लाई, क्यों कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, अगर ए बी सी में से कोई दो एक हो जाते हैं तो फिर हम उन दोनों को सेम बनाते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन की तरह। फिलहाल यहां पर a टाइम्स दोनों डिनोमिनेटर x प्लस 2 और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं a का, b का मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 2 से कर लेता हूं जो कि उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, ऐसे ही c का मल्टीप्लाई किससे कर लेता हूं x प्लस 1 एंड x प्लस 2 से कर लेता हूं जो कि उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। अगर ये रिजल्ट आ गया 5x ओवर ओवर आप समझ रहे हैं ये सब कुछ आएगा, इसके अपॉन में भी ये आएगा, कैंसिल कर दूंगी हमें उसे, समझ रहे होंगे इतने क्वेश्चन करने के बाद आ चुका होगा ना समझ में, सिर्फ इतना बचा देख रहे हैं इसका तीनों मल्टीप्लाई होंगे उसके भी तीनों मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल हो गए, बस हमें वो वैल्यू प्लेस करनी है जो इसको जीरो बनाए जो इसको जीरो बनाए जो इसको जीरो बनाए, क्यों करनी है क्योंकि इस बार दो मेथड होते हैं हमेशा, या तो एक्सपेंडिचर का कोफिशियंट्स को कंपेयर करें या फिर वैल्यूज पुट करें, उनमें से दूसरा मेथड कभी कभार ही होता है यूज जैसे कि आज हो रहा है, क्योंकि ए बी सी तीनों ही डिफरेंट है इसीलिए, कौन से ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की बात कर रहा हूं, मतलब एक बार इसको जीरो बनाए तो हमें पता है कि ये जीरो कब बनेगा, जब एट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कब होगा, व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो माइनस 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस 5, आएगी कि नहीं आएगी, यहां से माइनस 1 रखने पर ये कितना कितना हो जाएगा देखते हैं, ए है माइनस 1 रखने पर माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 3 हो गया और ये प्लस 1 ही रहा तो माइनस 3 बचा कुल मिलाकर, ये तो ए कितना आ गया, ए आ गया 5/3, क्लियर हो रहा होगा। सेकंड हम आए, हमने बोला इसको जीरो कराएं, ये कब जीरो होगा एट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पर इसे चेक करना पड़ेगा, माइनस 2 पर जब इसे चेक करते हैं तो इस पूरे को चेक करेंगे माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, 5 इंटू माइनस 2
यहां माइनस टू रखते ही ये जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो गायब हो जाएगा, माइनस टू रखते ही ये गायब नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे बी माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, माइनस वन हो गया ध्यान रखें, और माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर और माइनस वन मल्टीप्लाई होकर प्लस फोर बनाएंगे यानी ये। तो बी हमारा निकल कर आया टू फाइव जो टेन, टू टू जो फोर, फाइव बाई टू विद नेगेटिव साइन। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? टू टू जो फोर, फाइव टू वही बन जाएगा वापस। ठीक है, फाइनली आते हैं इस पर, ये जीरो कब होगा? एट एक्स इज इक्वल टू टू पर। तो ये एट एक्स इज इक्वल टू टू पर जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू पर जीरो होने का मतलब यहां टू रखें तो फाइव टू जो टेन हो जाएगा, टू रखते ही ये जीरो हो जाएगा, टू रखते ही ये जीरो हो जाएगा, बस ये बच जाएगा। टू रखते ही टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और टू प्लस टू फोर हो जाएगा। चाहे तो सॉल्व कर लें, टू फाइव जा और टू टू जा बोल लें, तो सी निकल कर आएगा फाइव अपॉन सिक्स। प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना? बस ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई, ए की वैल्यू आई बस आई गई है, उसे यहाँ पर इसे रफ कर देता हूँ। अब इसे स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्क समझ में आ रहा है कि ये जो चीज थी इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसका इंटीग्रेशन और डीएक्स लगा दे तो ये एक्जैक्टली वही बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू वही है। तो यहाँ इंटीग्रेशन डीएक्स लगाए तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ होल डीएक्स ले लेते हैं और वैल्यू प्लेस करते हुए चलते हैं। तो इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को मैं आई कर लेता हूँ, यहाँ ए की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है? फाइव बाई थ्री ना, पॉजिटिव। तो फाइव बाई थ्री को सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, ले लेता हूँ ए की वैल्यू में और डीएक्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अंदर, एक्स प्लस वन बच जाएगा। बी की वैल्यू लिखता हूँ माइनस का फाइव बाई टू और इंटीग्रेशन में डीएक्स को अंदर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू। क्लियर है कि नहीं है बताइए, ठीक है? प्लस सी, सी की वैल्यू लिखता हूँ, सी कहाँ गया? फाइव बाई सिक्स, सी को ये लिखा और इंटीग्रेशन में डीएक्स अपॉन एक्स माइनस टू ले लिया। बोलिए प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? मुझे नहीं है कोई प्रॉब्लम, आपको तो नहीं है? सी की वैल्यू फाइव बाई सिक्स, डीएक्स ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है? इसे छोटा सा एक सॉल्यूशन देना है, फाइव बाई थ्री लिखा, आई लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आई निकल रहा है मेरा। फाइव बाई थ्री को फाइव बाई थ्री लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर है कि नहीं है? माइनस फाइव बाई टू को माइनस फाइव बाई टू लिखा, डीएक्स अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है जो कि लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होगा। समझते हैं ना छोटी सी बातें, मैं यहां पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपसे। प्लस फाइव बाई सिक्स हो गया, उसको ऐसे का ऐसा लिखा और डीएक्स अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस टू हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट रख दिया आगे से। और करा जा सकता है अगर तो करें, क्या बोलते हैं उसे, कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो ले लें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ना किया जा सकता है, मैं चाहूँ तो इसे कर सकता हूँ, आप भी चाहें तो कर सकेंगे। थ्री और सिक्स हैं तो बराबर कर लें, इसे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतने में ही सफिशियंट है, रहने देते हैं इतने में, ठीक है ना? अदरवाइज फाइव कॉमन ले लें या कुछ और किया जा सकता है। समझ नहीं आता, कभी भी एनसीईआरटी सॉल्व कर देते हैं, एनसीईआर कभी कभी नहीं करते, ठीक है ना? क्योंकि मैंने शुरुआत के जो पहले से पांच के क्वेश्चन थे उन्हें प्रॉपर सॉल्व किया, लेकिन वहां पर आंसर इसी फॉर्म में दे दिया था, इसलिए मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूँ। प्रॉपर अगर आपको कोई ओरिएंटेशन में दिक्कत हो रही है तो उसे क्लियर कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सिंपल हो रहे हैं, ठीक है ना? एक ही पैटर्न बार 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 यूज हो रहा है, ठीक है ना? इसलिए जंप मत करना अभी। हाँ, इतना जरूर कर लो कि जो मार्क जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मार्क कर लो उसे, ताकि आने वाले टाइम पर जब हमारे पास टाइम कम बचे तो हम मार्क क्वेश्चन को कर सके, मार्क्ड क्वेश्चन को कर सके। 11 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाया मैंने अपने इसमें, आप भी लगा लें, कुछ बात होगी शायद। एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन ये है और नीचे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना? अब स्टूडेंट्स देखते ही समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये कि क्यूबिक इक्वेशन ऊपर बना, जो कि एक अनयूजुअल सी बात है। जैसे ही अनयूजुअलिटी यहां पर क्रिएट हुई, तुरंत एक और बात समझ में आई कि नीचे की पावर कम है ऊपर की पावर ज्यादा है, यानी कि इम्प्रॉपर टाइप का फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन नंबर 6 के दौरान, जब लास्ट लेक्चर से पहले वाला लेक्चर जब मैंने कवर किया था, सेकंड लेक्चर की बात करूं 7.5 का, उसमें स्टूडेंट जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6-8 जब मैंने करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे पावर कम हो और ऊपर पावर ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ही डिवाइड किया जा सकता है तो तुरंत डिवाइड करें, इससे पहले प्लॉट कराएं तो अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसको डिवाइड किया जाता था, जो कि 6th क्वेश्चन था, और अभी क्वेश्चन 12 आया जिसमें क्या हो सकता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया जा सकता है। जबकि 6th वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम थी, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक था तो नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक था। तो दो केसेस में इम्प्रॉपर फंक्शन होते हैं, जब ऊपर वाला ज्यादा पावर रखे नीचे वाला कम रखे, इससे फायदा क्या होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया जा सकता है, या फिर दोनों सेम पावर रखें तब भी डिवाइड किया जा सकता है। ये बातें होती है काम की, मेरी बात समझ में आई आपको? बस हमें ये ढूंढना है कि कहां डिवाइड किया जा सक रहा है,
और मैंने बता भी दिया दो ही बार डिवाइड किया जा सकता है, या तो दोनों की डिग्री सेम हो जाए, ये भी क्यूबिक हो जाए, या फिर ऊपर वाला क्यूबिक नीचे वाला क्वाड्रेटिक, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक नीचे वाला लीनियर, मतलब ऊपर ज़्यादा पावर नीचे कम पावर, ठीक है, तो डिवाइड करना सही रहेगा। मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ऑर्डर अच्छा रखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, बड़े को पहले रखना, जैसे कि इस बार लिखा ही है, सिक्स क्वेश्चन में हमने बनाया था उसे ऑर्डर में, ये ऑर्डर में अच्छा खासा लिखा था, ऑर्डर में लिखो। बाकी मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स, देखना ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए एक्स से, ताकि एक्स क्यूब आ जाए, क्लियर है, इस x का माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स आएगा, अब माइनस माइनस करूंगा सबको ना, ये तो प्लस का था, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो x और x कितना देंगे 2x प्लस के ना, क्योंकि प्लस हो गया था, एक्स क्यूब और प्लस माइनस 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 एक्स जीरो हो जाएगा, प्लस वन का प्लस वन ही आएगा, ये आपका रिजल्ट आया, यानी कि ये रिजल्ट है, क्योंकि इससे तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसकी पावर कम होगी इसकी ज्यादा होगी। अब हमारे पास हमें वही बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि थ्री होता है सेवन होता है टू होता है सिक्स होता है तो ये वन होता होगा, तो इसका मतलब 7 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 1, जानते ना 8th 9th कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने, कौन सी क्लास में पढ़ा था देख लेना, तो ये चीज उसी के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन कैन बी ऑल्सो रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स कोशेंट एक्स प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1, प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया, बस जहां पर ही एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 लिखा था मैं वहां बड़े आराम से लिखूंगा, अच्छा मुझे इंटीग्रेट करना था dx, तो मैं वहां आराम से लिखने वाला हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये तो इसके प्लेस पर हो गया ना पूरा, बाकी यहां पर बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा हुआ है उसको लिख दिया, और बाकी डी एक्स बचा हुआ है उसको, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, देखिए आराम से समझ में आ रहा होगा बराबर, हमने एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू ये है वो लिख दी और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे पर डिनोमिनेटर जो था वो लिख दिया, समझ में आ रही है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका काम हो चुका है ना, अब ऐसा करते ही तुरंत स्प्लिट करें आंसर आ गया, स्प्लिट कर लिया इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वन था ना और ये टाइम्स एक्स था, तुरंत स्प्लिट करें नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, आया कि नहीं है, डी एक्स ले लें सेपरेट भी कर लेता हूँ ठीक है ना, प्लस कर उसको 2x प्लस 1 को लिख लिया मैंने ऐसे करके, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे करके लिख लिया और डी एक्स लिया, स्प्लिट कर दिया तुरंत इंटीग्रेट कर दिया साथ ही साथ है, एक्स क्लियर है कि नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई टू होता है कि नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर वन है, एक्स रेस टू द पावर एन ऑफ डी एक्स बना इंटीग्रेशन में, तो उसका आंसर एक्स ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, वही मैंने किया एक्स रेस टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस, यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है, क्या ये मुश्किल काम है, मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि इसे स्प्लिट कर दो, क्योंकि देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 2x अपॉन स्प्लिट होके समथिंग हो जाएगा, नीचे वाले को t मानूंगा ऊपर काम बन जाएगा, यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ अच्छा सा हो गया, ठीक है अभी देखते हैं क्या होगा, ऐसा कर सकता हूं 2 सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है ना सेपरेट कर रहा हूं, एक बार x के साथ dx आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है ना, और भी वैसे अच्छा सा कुछ किया जा सकता है इस पर, पहले मुझे एक मिनट सोचने दो, हाँ एक काम तो देखिए ये तो मैं ना वैसे करने लग गया डायरेक्ट, अदरवाइज अगर इस एक्सरसाइज की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो फिर तो इसको एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन में ब्रेक करके भी किया जा सकता है, मतलब दो मेथड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए तरह तरह से मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, एक तो ना इसे ऐसे कर लो कि स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करते ही 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, स्प्लिट करते ही 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 आएगा, तो ये x और dx के प्लेस पे dt बाय 2 रख लेना और नीचे t बन गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर सॉल्व करना है तो रेफरेंस दे रहा हूं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें अगर याद हो तो 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए टाइप का होता है, वो करके कर लेना वैसे भी हो जाएगा, एक तो ये रेफरेंस दिया ठीक है, ये दो के कॉम्बिनेशन से किया एक को, या फिर आप एक्सरसाइज 7.4 जो हमने की थी उसके क्वेश्चन नंबर 16 के जो बात के क्वेश्चन थे 16 वाले जो क्वेश्चन थे उनकी तरह ही बना हुआ है, लीनियर फंक्शन है नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी कि इस लीनियर फंक्शन को ए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस बी कह दे, ए और बी की वैल्यू के लिए इसको इसका परफेक्ट डिफरेंशिएबल बना दें तो भी सॉल्व किया जा सकता है,
दूसरा मेथड। तीसरा मेथड अभी का जो हम कर रहे हैं कि x प्लस वन एक्स माइनस वन कर ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स माइनस वन कर करें। मैं चाहता हूं इसको कम से कम दो मेथड से तो करूं ताकि बातें सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये इतना रिजल्ट समझ में आ गया। अभी आता हूं सिर्फ इस पर, सिर्फ इसके इंटीग्रेशन को कम से कम दो मेथड से बता रहा हूं। ये है 2x प्लस वन, नीचे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। ये वो मेथड है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 के बाद के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.4 की बात कर रहा हूं, उसका पैटर्न पर बेस्ड। कैसे होगा इसको, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले को 2x प्लस वन को आप बोल सकते हैं a टाइम्स d बाई डीएक्स ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी। ऐसा करते ही आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x प्लस वन और ये हो जाएगा a और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0 हो जाएगा b। कंपेयर करेंगे तो यहां से x का कोफिशियंट 2a निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, तो 2 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। कोफिशियंट्स कंपेयर करेंगे कांस्टेंट कांस्टेंट, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a भी 1 निकल रहा है, b भी 1 निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज 2x प्लस 1 को आप क्या बोले, आप बोले a को 1 रखें तो जो बचेगा यानी कि d बाई d, मतलब ये है ना 2x प्लस 1 को इसने बोला कि ये बोलना चाहिए, हमने बोला था, इसने बोला a और b को 1 1 रख लो तो बात बन जाएगी। a b को 1 1 रखूंगा तो कितना बनेगा, अच्छा 2x प्लस 1, अच्छा ये तो इसने बोला कि इतने में ही बात सही है, अच्छा इसने बोला कि वही लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a को 1 रखो 2x प्लस 1 ये वही बन गया, मतलब फर्क नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब इसे यहीं से आगे सॉल्व करो और ये सॉल्व हो सकता है। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व अगर होना चाहे या करना चाहे, देखिए मेरी बात समझ में आई, हमने किया सॉल्व, उसने बोला कि इसे बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिफरेंशियबल ही, आप कोशिश तो करें, ऐसा हमें बोला गया। हमने कोशिश करने की जब कोशिश करी तो हमें पता चला कि 2x, अब ये फर्स्ट में आ गया, मैंने तीन मेथड बताया था ना, सेकंड को मैंने कराने की कोशिश की, सेकंड से फर्स्ट वाले मेथड पर आ गया। कॉम्प्लिकेट मत करना, मैंने पहले ही बोल दिया, लास्ट वाला मेथड भी करा ही दूंगा, थर्ड वाला उसी से कर लेना अगर दिक्कत हो रही है तो। फिलहाल देखिए एक्सरसाइज करवाई ना माइंड को अपने, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स ऐसे स्प्लिट करा और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ऐसे स्प्लिट करा। ये हमें पता है कि 2x स्क्वायर माइनस वन को अगर हम t बोल लें तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो हम यहाँ पर रखूंगा 2x dx को dt बोल दूंगा, तो नीचे x स्क्वायर माइनस वन को t बोलना था, तो dt अपॉन t log t हो जाएगा, t की वैल्यू रख लेना log ऑफ x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यानी इसका आंसर log ऑफ x स्क्वायर माइनस वन आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, log ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, इसका आंसर आ गया log ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, टू को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। बाकी इसे सॉल्व करना है तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म है, मुझे अगर फॉर्मूला जैसा याद है उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, चेक कर लेना इसे जरा एक बार, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ चेक भी कर लेना। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे ऐसा याद है, स्क्वायर रूट नहीं है ध्यान रखें, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर है, यानी कि इस चीज का आंसर ये है। फिर तो आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये प्लस ये, एक बार इसे नोट कर लेता हूं मैं, अपने आपको चेक कर लूंगा ना कि मैंने सही निकाला था कि नहीं निकाला था, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई टू ए, अच्छा ए कितना है, ए वन है ना, ए वन है, ठीक है, तो ये वन अपॉन टू हो जाएगा, ये बचेगा लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब ये इसका आंसर आया, तो प्रॉपर आंसर ये बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये। अब चेक करता हूँ दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड यानी कि वो मेथड जिससे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो 2x प्लस 1 बचा हुआ है उसे ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा बोल देंगे x माइनस 1 x प्लस 1, फिर हम इसे बोलेंगे कि ये a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x माइनस 1 समथिंग की फॉर्म है। जैसे ही हम इसे ऐसा बोलेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे बटरफ्लाई मल्टीप्लीकेशन, a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, और होल अपॉन में यही चीज आएगी, वो इस चीज से कैंसिल होगी कि नहीं होगी बताइए, होगी ना, ये यहाँ गया वो वहां गया आपस में गए उससे कैंसिल हो गया। कंपेयर करेंगे तो ए एक्स आएगा बी एक्स आएगा, यानी कि ए प्लस बी आएगा एक्स का कोफिशियंट, यहाँ माइनस ए बचेगा यहाँ प्लस बी बचेगा, तो ये बी माइनस ए होगा। मैं कुछ जल्दी नहीं करा रहा हूँ, ये वही बातें हैं जो हम कर चुके हैं, ठीक है ना, हाँ बहुत बार कर चुके हैं, अब क्योंकि दो तीन मेथड बताने हैं तो सिर्फ करवाते हुए चल रहा हूँ। इसलिए टू यहाँ कोफिशियंट है एक्स का, वहाँ कोफिशियंट है एक्स का ए प्लस बी है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म वन बचा, वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म बी माइनस ए बचा, दोनों को सॉल्व अगर करना है तो दोनों को एक बार ऐड कर लो, ए ए कैंसिल हो जाएंगे, ये टू बी हो जाएगा, टू और वन थ्री हो जाएगा, मतलब b कितना निकल कर आएगा 3 बाई टू, बी अगर 3 बाई टू निकल कर आया कहीं भी डाल लो a निकाल लो, a इज इक्वल टू टू माइनस बी है, a इज इक्वल टू टू माइनस बी है, और b की वैल्यू अगर रखूँ तो 3 बाई टू है। इसे सॉल्व करें, टू टू ज़ा 4 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, 1 बाई टू आएगा a का आंसर, बोलिए नहीं आएगा क्या, a का आंसर हाफ आ गया, b का आंसर 3 बाई टू आ गया।
ए का आंसर हाफ आ गया, बी का आंसर 3/2 आ गया। अब रिटर्न करते हैं अपनी बात पर, इतना हो गया। बस हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना इस चीज का, इंटीग्रेशन के लिए dx लगा लो, तो यहां भी dx लगा लो ऐसे करके। बस इस पूरे को i कह लेता हूं जो कि हमें निकालना है, मतलब अब ये निकलने लग गया, ध्यान रखें ये निकलने लग गया, यही है ना। अच्छा क्या ये कहा, ये 2x + 1 dx को हम सॉल्व कर रहे हैं कि x, अच्छा इसका 1 dx वाला पार्ट अलग ही हो गया लग रहा है ना, यहाँ से हमने जो dx अपॉन x²-1 वाला पार्ट था वो भी था इसमें, ऐसे इंक्लूड था dx अपॉन x²-1 वाला पार्ट, तभी तो हमने इसमें x²-a² लगाया था। तो ये प्रॉपर आंसर ही है, ये असल में पूरी चीज़ ये है, ठीक है ना। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसी को कर रहे हैं, यानी कि हम इसी को कर रहे हैं, हमारा आंसर भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए। देखते हैं, a की वैल्यू 1/2 रखी, dx आ गया, x+1 यहाँ पर बचा हुआ दिख रहा है, वैल्यू 3/2 रखी, dx अपॉन x-1 यहाँ आता हुआ दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं है। मैंने सेपरेट भी कर लिया, करस्पॉन्डिंग i में ये निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, dx अपॉन x+1 log ऑफ x+1 हो जाएगा, प्लस 3/2 को 3/2 रहने देता हूँ, ये log ऑफ x-1 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो इसे फर्दर सॉल्व कर दें, क्या देखें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो ये स्पेशली कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा, लेकिन लगता है बन सकता है, ऐसा ये हो सकता है, क्योंकि x²-1 है, इसे x+1 x-1 अगर हम कह दें तो इसे, हाँ ये काफ़ी हद तक ये हो सकता है, मुझे मैं बताता हूँ आपको, देखिए एक चीज़ इसको लाता हूँ, ठीक है एक मिनट, यहाँ देखने जरा, इसे देखने जरा, ये log ऑफ x²-1 है ना, तो उसे x+1 times x-1 कह सकते हैं ना इस चीज़ को, तो log ऑफ ab कैसे खुलता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b में खुलता है ना, और यहाँ लिखा हुआ है हाफ log ऑफ x-1 upon x+1। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आंसर और ये आंसर जो इस दोनों से निकले हैं सिमिलर आंसर है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने x²-1 को ऐसे ब्रेक किया, एक बार log ऑफ a प्लस log ऑफ b की फॉर्म में, ताकि log ऑफ a इंटू b बोल के यही बन जाए। अब आप देखें कि यहाँ पर बचा हुआ है log ऑफ x+1, वहाँ बचा हुआ है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अरेंजमेंट कर सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कॉम्प्लिकेट ना कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको एक बात सीधे सीधे कह दूं कि ये आंसर जो आया और ये आंसर जो आया ना बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिसको लगता है कि वो कर सकता है वो आराम से इसे सिंप्लीफाई करे वही बनेगा, क्योंकि यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगाई लॉग ऑफ ए अपॉन बी की, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी आएगा, उसको आपस में कैलकुलेट करें, ये और ये रिजेंबल करें, एक जैसे बनेगी देख लेना करके। मैं नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप कॉम्प्लिकेट ना कर जाएं, मैं इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकता हूं। अब मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि इसी एक्सरसाइज से चल रहे हैं, तो फिलहाल इसी को लिखता हूँ, क्या पता यही वाला आंसर शीट में दिया हो, लेकिन मैंने बता दिया कि उस मेथड से भी किया होता जो आंसर आया ये भी करेक्ट है, बिल्कुल मैंने भूल दिया आपको, समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा एक्सरसाइज से कौन सी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले वाली एक्सरसाइज से भी कर दिया तो भी ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आंसर कोई लिखेगा x²/2 प्लस ये, या कोई फिर x²/2 प्लस ये लिखता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिलहाल क्या लिख रहा हूँ, मैं अभी इस वाले को रब कर देता हूँ, सिर्फ जो हमने अभी अपने वाले कैलकुलेशन से निकाला, मैंने बता दिया आपको दोनों देख लेना क्या है, इक्वली है, सॉल्व किए जा सकते हैं फर्दर, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन, ठीक है ना, बाकी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हमने देखा उसका आंसर ये आया हाफ ऑफ लॉग x+1। लेकिन आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इतना जरूर करना कि उन दोनों को इक्वल प्रूव कराने की कोशिश कर लेना, बस ये आपका रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने इतने तक ही देखे, क्वेश्चन नंबर 12 तक करते हैं, उसके बाद 13, 14, 15 से आगे हमारे पास 23 तक क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पर कर पाए, मुझे लगता है कम से कम दो लेक्चर, मतलब मैक्सिमम दो लेक्चर लगेंगे इसे पूरा करने में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।